मॉर्निंग दोपहरी दौला और सबको जय यीशु। आज हम लोग फिर से लोटा पानी जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग हमारे साथ साथ बने रहिए और आदिवासी कल्चर में, आदिवासी क्रिश्चियन कल्चर में किस तरीके से लोटा पानी होता है उसे मैं दिखलाने और बताने की कोशिश करूंगी। और आप सब हमको पसंद आने पर आप लोग से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए फिर बने रहिए, वहां चल करके और दिखलाते हैं। और लोटा पानी जहां हो रही थी हॉल में हम लोग पहुंच चुके थे, और जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है एक दूसरे से मिलना जुलना और शादी ब्याह हो और बालों पे गजरे ना हो, बेनी ना हो, तो भाई शादी ब्याह का मज़ा ही नहीं आता है। तो जिस तरीके से आप सबों को दिखाई पड़ रहा है, सारे लोग हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और एक दूसरे के बाल पे गजरे लगाते हुए है ना। और ये नन्हे मुन्हे बच्चे, क्योंकि आने वाले मेहमान लोगों का आने में पहुँचने में अभी देरी थी, तो हम सब मिल करके मस्ती मज़ा मस्ती करने पे तुले हुए थे। और ये नन्हे मुन्हे बच्चे लोग गुड मॉर्निंग बोलते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन इतने ही शादी ब्याह हो और बाजा बजते हैं कि सारी आवाज़ें जो है वो मैं म्यूट कर दी हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, जिस तरीके से कि आप लोग मुझे देख सुन पा रहे हैं है ना। और यहाँ ये तीनों बहनें और चौथी बहन का आज लोटा पानी है, तो और इन सब बहनों के नन्हे मुन्हे बेटियाँ है ना। और ये बच्चा अपना हुड़दंग करते हुए, बच्चे हुड़दंग ना करे तो मज़ा ही नहीं आता है, जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं खूब मज़ा मस्ती हो रहा है जब तक लोग पहुँचे नहीं है। तो चलिए फिर बने रहिए, और मेहमान लोग अब पहुँच चुके थे ठीक है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं परघाने के लिए, हाँ, क्योंकि मेहमान लोग कहीं फंस गए थे तो थोड़ा देरी से पहुँचे। आइए आप भी आइए, आप क्यों छाँक रहे हैं। हाँ चलिए, तो अब हम लोग नाचने जा रहे हैं एकदम है ना। चलिए आए हुए मेहमानों को परघाने के लिए अब हम लोग पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। देखिए लोटा में पानी, आंबा डहूरा रे साले साले। चलिए और मेहमान सब आने लगे हैं अब। बोलिए बोलिए। हाँ बोल, हाँ ये बड़का मेहमान। हाँ, सब मेहमान लोग आ रहे हैं अब इनकी स्वागत में। Thank you.
हार्दिक स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से देख पा रहे हैं, आए हुए मेहमानों का स्वागत गीत के द्वारा स्वागत किए गए, फूलगुच्छा दिया गया और मेहमानों के आने में देर हो गई थी। आदिवासी ये सब सिंदूर, दूब घास, सरसों का तेल और ये पंचगन बैठे हुए हैं। और आज जो पंचगन मतलब फैसला लेंगे वो बहुत अहम होती है यहाँ, है ना। और दूसरे समाज में होता है कि लड़की पक्ष वाले लड़के को देते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी समाज में मैं ये बतला दूं कि लड़के पक्ष वालों के द्वारा लड़की पक्ष को दिया जाता है, उसी का यहाँ हिसाब हो रहा है। तो इसे डाली ढिबा कहा जाता है और जो आज फैसला होगा वही शादी के पहले लड़की के घर वालों को लड़के के घर वाले देंगे। तो इसे पंचुंग का मतलब कि यह मिलन कहा जाता है। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं सारी फैसलाएं हो गई हैं, तो अब ये एक दूसरे को तेल लगाएंगे, टीका लगाएंगे और ये पाउडर वगैरह लगाएंगे और इन लोगों का एक तरह से मिलन होगा, संधि मिलन कहना चाहिए, है ना। और आने वाले जो मेहमान आए थे उनको किसी कारणवश जाम में फंस गए थे, जिसके कारण आने में देर हो गई थी। तो दुल्हन जो है लड़के पक्ष के द्वारा लाए गए कपड़े ही पहनती हैं, तो इसलिए उनके आने में थोड़ा देर हुई। तो दुल्हन को तैयार करने में देर हुई थी, इसलिए पहले पंचों की बैठक हुई, है ना। और इनका सारा जितना भी मतलब कि अहम फैसला लेना तो हो गया और जो भी फैसला लिया गया उसे सुनाया जा रहा, जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतना हल्ला सुनाई पड़ रहा था। और एक दूसरे से मिलन करते हुए गमछा बांधे हुए, तो ये सब हमारे पंचगन का जितना भी आज का प्रोग्राम था वो हो गया। और आदिवासी समाज में काशा का कटोरी में हड़िया दिया जाता है जब पंच फैसला करते हैं उसके बाद में, लेकिन हड़िया का तो ख़त्म हो गया, तो कोल्ड ड्रिंक से यहाँ काम चलाया जा रहा है। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। अब दुल्हन को लोटा पानी के लिए हम लोग गाने के साथ सामने ले करके आते हैं। हम तो
तो भी खोलो बेनी। वाह बेनी जी मजा आ रहा है। पानी ठंडा ही गर्म है। बेनी जी बीमल किधर दोनों को ही हाँ इस कैमरा में तो समधी लोगों को हुक्का पिलाने के लिए तैयारी करते हुए और तेल कंघी पाउडर ये सब के लिए आए हुए मेहमानों को माँ लोटा पानी देने के लिए जा रही है ताकि वे भूखे ना रहे समय पे खाना खा लें। लोटा पानी सब हो गया। अब लड़की का चुमान के लिए बैठाया गया है जिस तरीके से आप सबको दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से आप लोग देखे समधी मिलन और लड़के का लोटा पानी ये सब सब कुछ हो गया है और ये लोग लेकर के खड़े हैं आए हुए मेहमानों का स्वागत सत्कार करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए, जिस तरीके से कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ एक हंसी खुशी और मिलन का समय होता है एक दूसरे से, जिस तरीके से समधी मिलन हुआ ये भी समधी मिलन समझिए, है ना। तो आए हुए मेहमानों को तेल सिंदूर पाउडर और कंघी ये सब दिया जाता है। और पहले ज़माने में लोग हुक्का पीते थे तो हुक्का का ये एक तरह से प्रचलन को रखा गया है अपनी एक यादगारी के तौर पर। तो चलिए आप लोग बने रहिए। तो इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि महिलाओं का जो 16 श्रृंगार होता है वही चीज़ है। सब कुछ देखे कान में है ना दिया जा रहा, उसके बाद फुल खोसी भी इसे एक तरह से कहा जाता है, ठीक है ना। और एक तरफ जिस तरीके से फुल खोसी चल रहा था और ये लोग जो हैं वो दूल्हे के पूरे परिवार वाले लोग हैं और दूल्हे के तरफ से जितने भी आए हुए मेहमान लोग थे वे लोग दुल्हन से एक एक करके मिल रहे थे और जो उन्हें खुशी थी वो दुल्हन को दे रहे थे, है ना। तो चलिए आप लोग सब बने रहे।
मंजा का से। तो कहना चाहिए कि एक साथ कई चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, लड़की को तिलक करते जा रहा है यानी कि चुमाते जा रहा है, उसको अपने मतलब कि सौगात देते जा रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग देख रहे लंबी कतार में आए हुए मेहमान लगे हुए हैं, है ना। और मैं जब घूम रही थी तो ये जो सामने में दिखाई पड़ रहे हैं हमारे स्टाफ गण हैं, तो उनके साथ मैं एक छोटा मतलब एक यादगारी को कैद कर लिया है हमने, है ना, क्योंकि ये सभी रह जाता है। और फिर मैंने जब कैमरा घुमाई थी और लंबी लाइन लग गई थी, जिस तरीके से कि आप लोग देखिए और देख पा रहे हैं। तो एक तरफ लोग इधर लड़की को चुमाते जा रहे थे और खाना खाने के लिए जाते जा रहे थे, और खाना भी चल रहा था साथ साथ में, ठीक है ना। इन्ने टंडी पहाड़ और समझो होले का से मानो और फ्रेंड लोग खाने जा रही है, चलिए जाइए। सारे वैरायटी खाने के लिए लाइन लगे हुए हैं सारे लोग। सारे मेहमान लोग सब आए हुए सारे मेहमान लोग सब खाना खा वगैरह खा रहे हैं। देखिए हम लोग भी जाते हैं अब खाने, है ना। अब तो खाना उन्हें पसंद आ रहा है ना। अच्छा ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मतलब कि मोटरी वो भी शादी ब्याह के जगह पे क्या कर रहा है ना। तो जो लड़की को अभी तिलक किया गया वर पक्ष की तरफ से, तो वर पक्ष वाले ही इसकी गिनती किए कि क्या मिला नहीं मिला, कितने कपड़े मिले, कितने जोड़े कपड़े हुए, क्या हुआ, है ना, सबकी गिनती हुई, कितने सोने मिले, कितने गहने मिले और कितने रुपये मिले, सबकी गिनती हुई। और इस मोटरी में कपड़े हैं और उसे लड़की पक्ष यानी दुल्हन पक्ष वाले को जिम्मा दिया जा रहा है कि आप लोग इसे ग्रहण मतलब कि स्वीकार कीजिए, है ना। और इतना बड़ा था कि ये लोग उठा भी नहीं पा रही थी, और बाद बाकी जितने भी जेवर चाहे पैसा था उसे लड़की की बहन को जिम्मा दिया गया, और एक दूसरे से फिर ये लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, ठीक है ना। सारा प्रोग्राम खत्म हो चुके थे जिस तरीके से कि आप लोग देख पा रहे हैं, और खाने के बाद पचाने के लिए, है ना, ये होना ही होना है।
तो जहाँ शादी ब्याह हो, लोटा पानी हो, किसी भी तरह का पार्टी फंक्शन हो और नाच गान ना हो, धूम ना हो, मस्ती ना हो, तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं उसे तो म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि यदि गाना पूरा चलेगा तो मेरा कॉपीराइट आएगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए और नाचने गाने का आनंद लीजिए, ठीक है ना। मैं इसे सुनाऊंगी नहीं, बस ऐसे ही आनंद लीजिए आप लोग, ठीक है। और सबसे अंतिम में दुल्हा दुल्हन खाते हुए, क्योंकि आज तो दुल्हा दुल्हन का दिन है, तो वो लोग फोटोग्राफी वगैरह चल रहा था और वे लास्ट समय में आए थे, तो अंतिम समय में खाना खाते हुए। और लोग हल्ला करें कि फटाफट खाइए ताकि एक राउंड नाच हो जाए। तो वे लोग खाना खाने के बाद वे भी डांस करेंगे, ठीक है ना। और सब कुछ हो चुका था और सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुकी थी और अब विदाई का समय आ चुका था। लोग एक दूसरे से विदा हो रहे थे और कुछ लोग इधर नाच गाने का मज़ा लेते हुए, आनंद लेते हुए, जिस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है, झूमते हुए, है ना। गाना तो मैं नहीं सुना रही हूँ, वो आप लोगों को पता है कि मैं क्यों नहीं सुना रही हूँ। और ये विदाई का बेला आ चुका है, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्या नहीं कहने मतलब कि जो आपको पहचानते हैं, लेकिन हाँ। आप क्या हाँ। बोल के हम नहीं बोलते। चलिए हाँ, ये एक फैमिली गेट टुगेदर मान करके आप लोग चलिए और शादी ब्याह में ऐसे ही देखिए सब उनसे मुलाकात। तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, है ना। चलिए हाँ, फिर मिलेंगे हम लोग। हाँ चलिए, ठीक है।